एमपी के सिंगरौली से छत्तीसगढ़ में पिकनिक मनाने गए 7 लोग जलप्रपात में डूबे, 4 की मौत, 2 लापता। एमपी के सिंगरौली जिले से रविवार को पिकनिक मनाने गए 7 लोग छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदहा जलप्रपात के गहरे पानी में डूब गए। हादसे को देखते हुए आसपास मौजूद लोगों ने जलप्रपात में छलांग लगाकर 2 लोगों को पानी से बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि महिला को अचेत अवस्था में नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है। जलप्रपात के पानी में डूबे 7 में से 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। वहीं एक युवती अचेत अवस्था में पाई गई थी, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पानी में अभी भी 2 लोग लापता है। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी और उनकी तलाश करने के लिए प्रशासन ने गोताखोरों को पानी में उतारा है, जहां रेस्क्यू दल उनकी तलाश कर रहा है। जलप्रपात में डूबे 7 लोग एमपी के सिंगरौली जिला अंतर्गत बैढ़न के रहने वाले हैं और वे आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जानकारी के तहत रविवार अवकाश होने के चलते वे सभी पिकनिक मनाने छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित रमदहा जलप्रपात पर पहुंचे थे। दोपहर के समय वे सभी नहाने के लिए पानी में उतर गए थे। खबरों के तहत जलप्रपात में पानी का बहाव तेज हो गया और सभी उसके जद में आकर न सिर्फ बहने लगे बल्कि पानी में डूब गए। समाचार A2Z के लिए छत्तीसगढ़ से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट।